सशक्त नारी सुरक्षित नारी के अभियान का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिनमें सभी जिले के डीजीपी, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी व एसएचओ अपने क्षेत्र में इस अभियान में प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियां करेंगे। इसके साथ ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जेंडर सेंसिटाइजेशन एवं महिला अपराधों में कमी लाना, महिलाओं को कानून व उनके अधिकारों की जानकारी देना है। उक्त कार्यक्रम राजस्थान पुलिस के आवाज़ अभियान के तहत चलाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, पंपलेट वितरण किए जाएंगे, स्टिकर चस्पा किए जाएंगे, स्कूल व कॉलेज में जाकर मीटिंग आयोजित की जाएगी, मोहल्ला स्तर पर मीटिंग आयोजित की जाएगी, फ्लैग मार्च व पैदल मार्च निकाले जाएंगे, चौराहों पर विशेष प्रदर्शन किए जाएंगे, स्कूलों में शपथ का आयोजन होगा, गुड टच बैड टच की जानकारी दी जाएगी। आज एक रैली का आयोजन किया गया, क्या है ये पूरा सुन लो। सभी कहने आए हैं हम आज कि सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज, और यही मिशन जयपुर आयुक्तालय ने लिया है 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। सशक्त नारी और सुरक्षित नारी, ये मिशन चलेगा पूरा 15 दिन, और ये केवल 15 दिन ही नहीं चलेगा, ये तो एक युद्ध स्तर पे हम लोगों ने मिशन छेड़ा है, हर ऑफिसर से लेके नीचे तक, यानी टॉप टू बॉटम। इसमें डीसीपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी, एसीपीज, एसएचओ और पूरा थाना क्षेत्र, यानी कि हर व्यक्ति मिशन के लिए काम करेगा, मिशन के रूप में काम करेगा सशक्त नारी और सुरक्षित नारी के लिए। और इस मिशन के अंदर हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग हर स्कूल और कॉलेज में जाएंगे, और वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्हें तो हम लोग सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देंगे, साथ ही जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम सिखाएंगे, उन्हें हम शपथ दिलाएंगे नारी सम्मान की, उन्हें वो संस्कार मिले समाज में, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाएगा, और इसके साथ ही हम लोग लहंगे रहेंगे जनता के बीच, यानी कि पूरा जयपुर आयुक्तालय रहेगा जनता के बीच, जनता के साथ। हम लोग मोहल्ला मीटिंग करेंगे, हम लोग थाना स्तर पर महिलाओं के साथ मीटिंग करेंगे, हम लोग जो प्रेरित तत्व हैं, जो और इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।